वेलकम टू स्टडी फंडा, माय सेल्फ साहिल। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर टू के पर्सपेक्टिव से दो इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहला जो है वो है ह्यूज ट्रेजेडी। ये न्यूज में था, बिहार में नकली शराब पीने से कुछ लोगों की डेथ हो गई, दैट्स व्हाई इट इज करंटली इन न्यूज। एंड नेक्स्ट है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ईस्टर्न काउंसिल की मीटिंग हुई है, वहां पे जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे बोला कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो इंडिया में कम हो रहा है। ओके, तो हम इन दो कॉन्टेक्स्ट में आज के हमारे ये दो टॉपिक है। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कोई नया नहीं है, मतलब कि ये आप लोगों को मालूम है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये नक्सलाइट ही है, बेसिकली नक्सलाइट्स। ठीक है, नक्सलवाद सुना होगा ना आप लोगों ने। अब थोड़ा सा मैं इसकी बैकग्राउंड में जाके आप लोगों को स्टोरी सुनाना चाहूंगा, ताकि आप लोग इसको अच्छे से रिलेट कर सके। भारत की आजादी के बाद भारत में कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा? गवर्नमेंट ने सोचा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ओके, अब गवर्नमेंट ने लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या किया? गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स लेके आई, जिनको हम लोग बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। अब ये लैंड रिफॉर्म कैसे आए गए? फॉर एग्जाम्पल, स्टेट गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, इन्होंने लॉज बनाए, और लॉज में क्या लिख दिया? लॉज लेके आई है लैंड सीलिंग एक्ट। अब इनमें क्या बोला गया? फॉर एग्जाम्पल, एक जमींदार है, ठीक है, उसके पास 500 एकड़ की जमीन है। कितने एकड़ की? 500 एकड़ की जमीन है। गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि जिसके पास भी ना 250 या 300 एकड़ से ज्यादा की जमीन होगी, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर ये नहीं था, बस समझने के लिए आप समझ लो, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये बोल दिया जिसके पास भी 300 एकड़ से ज्यादा की जमीन होगी, उसको अपनी जमीन जो है ना सरकार को दे देनी, यानी कि स्टेट को दे देनी है। और फिर ना स्टेट डिटरमाइन करेगा, यानी कि सरकार बताएगी कि वो जमीन हमें किसको देनी है, ठीक है। तो इसी को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बोला जाता है, यानी कि जिनके पास ज्यादा है उनसे लेके जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है उनको दे देना। क्लियर है? ओके, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब फॉर एग्जांपल, जमींदार के पास जमीन ज्यादा है या कम है, ये डिटरमाइन कौन करेगा? सारा खेल था इसी चीज का, इसको डिटरमाइन कौन करेगा? अब यहाँ समझते हैं। अब होते क्या थे, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए डीएम को और पटवारी को, डीएम और पटवारी, या आप एसडीएम लगा सकते हो, ठीक है, डीएम, एसडीएम और पटवारी। अब इनका काम क्या होता था? जो पटवारी होता था वो जाके मापता था जमीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जमींदार है मिस्टर एक्स वाई जेड, इसने जाके, पटवारी ने जाके इसकी जमीन मापी, ठीक है। अब जमींदार ने क्या किया, मिस्टर एक्स वाई जेड ने पटवारी को पैसे खिला दिए, बोल दिया कि मेरे पास है तो 300, मतलब लाइक जितनी लैंड सीलिंग है ना, 300 एकड़ की लैंड सीलिंग है, मेरे पास है तो इससे ज्यादा, लेकिन तुम ना गवर्नमेंट को मत बताना, इसकी इसने जेब भर दी, ठीक है। तो ये पटवारी करप्ट हो गया, और इसने बताया नहीं कि इस वाले बंदे के पास ना एक्स्ट्रा जमीन है ओवरऑल, ठीक है। तो ऐसे कर करके ना ये पटवारी, एसडीएम, डीएम, ये सारे करप्ट हो चुके थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो लैंड रिफॉर्म्स थे ना वो हमारे फेल हो गए, कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में, इंडिया के कुछ पार्ट्स में लैंड रिफॉर्म फेल हो गए। और फिर जो ये करप्शन है ना, ये पटवारी, एसडीएम, डीएम, ये बाकी स्टेट्स में भी फैलने लगा। तो अब क्या हुआ, 1967 के अराउंड का टाइम था, उस टाइम पे एक गांव है जिसका नाम है नक्सलबारी, नक्सलबारी विलेज, ये वेस्ट बंगाल में ये गांव नक्सलबारी विलेज। चारू मजूमदार और इसके कुछ फॉलोअर्स, चारू मजूमदार और इसके कुछ फॉलोअर्स जो है ना, वो डंडे वगैरह लेके एक जमींदार के घर में घुस गए, ठीक है, घर में घुस गए, और उन्होंने वहां पे सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ जला बला दिया, वो सब कर दिया, ठीक है। मतलब कि बेसिकली वायलेंट मेथड इन्होंने यहाँ पे अपना लिया था। तो यहीं से नक्सलबारी विलेज से ही इस मूवमेंट का नाम पड़ गया, नक्सलाइट मूवमेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद गाइस, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नक्सलाइट का जो रीजन है वो कहाँ से हुआ। तो नक्सलिज्म क्या, एक वायलेंट मूवमेंट है जो कि क्लेम करता है कि वो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स के लिए लड़ता है अंडर प्रिविलेज ग्रुप के लिए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन काइंड ऑफ ही है, देख लेना एक बार। अब ना हम मेन रीजन पे आते हैं। होता है क्या, फॉर एग्जाम्पल ये फॉरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है काफी टाइम से। अब क्या होता है, यहाँ पे आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि जिनको हम कैपिटलिस्ट क्लास बोलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट यानी जो पैसा वैसा कमाना चाहते हैं, ऑल दैट। ये फॉरेस्ट है यहाँ पे, बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे और यहाँ पे इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करेंगे। ऑब्वियसली बात, अगर इंडस्ट्री आएगी तो डेवलपमेंट भी आएगी, है नहीं? लेकिन ये डेवलपमेंट किसकी कोस्ट पे आ रही है, ये डेवलपमेंट किसकी कोस्ट पे आ रही है, अब देखना आप लोग। ये जो ट्राइबल लोग है ना, ये तो यहाँ पे रहते थे, अब तो यहाँ पे इंडस्ट्री बन गई, तो ये कहाँ पे जाएंगे? तो यहाँ से इनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, यहाँ से इनको
डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। अब इनसे यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया तो ये बेचारे तो जो भी फॉरेस्ट से मिलता था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस से मिलता था, उसी को बेच के ही अपना खर्चा वर्चा चलाते थे, अपनी लाइवलीहुड चलाते थे। अब तो इनकी जो आजीविका कमाने का सोर्स है वो भी चला गया, तो ये क्या होगा, इनमें एक सेंस आएगी किस चीज की, एलिनेटेड की, सेंस ऑफ एलिनेटेड, ठीक है। और इसका फायदा कौन उठाएगा, इसका फायदा उठाएंगे माविस्ट, यानी कि जो नक्सलाइट्स है ना वो इसका फायदा उठाएंगे। वो आके इनको ऐसे प्रोत्साहन देंगे कि सरकार ने तुम्हारे साथ ना गलत किया एंड ऑल दैट एंड ज्वाइन अस, और ये इनको ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसी वजह से ये चलता रहता है। तो माओइस्ट का एक तरह से जो बेस है वो कहाँ है, ट्राइबल पीपल से ले रहे हैं, ट्राइबल पीपल कह लो या वो वाले लोग जिनके साथ गलत हुआ है, ठीक है, जो एक्सप्लोइटेड है, किसके द्वारा एक्सप्लोइटेड है, बाय द हायर क्लास ऑफ सोसाइटी, बाय द हायर क्लास ऑफ सोसाइटी ले रहे हैं। तो ये इनका माओइस्ट का फैन बेस है। इज दैट क्लियर गाइज, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम ना इनके ना रीजंस देख लेते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से जो लाइक नक्सलाइट है वो सस्टेन कर पा रहा है। सो गाइज नेक्स्ट है रीजंस कि क्या रीजंस है जिनकी वजह से ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड ऑल दैट ये कंटिन्यूड है या इनका उदय हुआ, ठीक है, यानी कि ये राइज करे। ओके तो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो आप लोगों का एग्जाम में जो लिखना वो है जंगल जल जंगल जमीन। अब इसमें क्या है, पहला है इवेजन सीलिंग लॉज। मैंने आप लोगों को समझा दिया कि गवर्नमेंट ने एक सीलिंग रखी थी, इससे ज्यादा जमीन जिसके पास है वो दे दीजिए, लेकिन वो दे नहीं पाए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो एक सेक्शन था सोसाइटी का जो बहुत ही ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड रह गया, जिनके पास कुछ था ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं था, ठीक है, तो वो ज्यादा ही अपने आप को एक्सप्लोइटेड फील कर रहा था, तभी तो वो लाइक नक्सलबारी विलेज एंड ऑल दैट वो वाला इंसिडेंट अभी मैंने समझाया, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रोचमेंट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड जो थी उनको भी इन लोगों ने एक तरह से अपने फेवर के लिए यूज कर लिया। नॉन रेगुलेशन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड लैंड राइट्स, ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम एक जगह पे काफी सालों से रह रहे हो तो तुम्हारा हक बनता है कि वहां के थोड़ा बहुत तुमको अधिकार मिले, ठीक है। ऐसे ही ना जो ट्राइबल कम्युनिटीज जंगलों में रह रही थी उनको कुछ अधिकार मिलने चाहिए थे, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए एक्ट भी लेके आई थी, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कह लो या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कह लो, जिसकी वजह से इनको जो ट्रेडिशनल राइट्स होते हैं लैंड के फॉरेस्ट पे वो नहीं मिल पाए, क्लियर है। नेक्स्ट लैंड एक्विजिशन विदाउट अप्रोप्रिएट कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन, मतलब कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट आए उन्होंने जंगल ये है जो जंगल वगैरह क्लियर किए अपने पर्पज के लिए, अपने फायदे के लिए, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए, तो जो ट्राइबल लोग हैं जिनको डिस्प्लेस किया गया उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। आर यू गेटिंग इट, तो उनको ऐसा फील हुआ कि उनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, तो उस सेंस में डिसरप्शन टू एज ओल्ड ट्राइबल फॉरेस्ट रिलेशनशिप, इतने सालों से वो रह रहे थे, ठीक है, 70-80 सालों से एंड ऑल दैट, तुम एकदम से आके उनको डिस्प्लेस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना उनको थोड़ा फील होगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट डेफिसिट इन एरियाज में, कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया है। पहला तो क्या है, पहला अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे, पॉवर्टी बहुत ज्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। मैं ये बात कर रहा हूँ बिहार, बिहार का ना स्पेशली, अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि नक्सलाइट अभी एक्टिव कहाँ है, थोड़ा साउदर्न बिहार साइड है, ओके, साउदर्न बिहार साइड है, और झारखंड छत्तीसगढ़ इन एरियाज में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म थोड़ा ज्यादा एक्टिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट यानी कि वहाँ पे रोड्स नहीं है प्रॉपर, स्कूल्स नहीं है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो भी नहीं है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है यहाँ पे है। नेक्स्ट सोशल इंक्लूजन एंड एलियनेशन, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, अब्यूज ऑफ डिग्निटी ऑफ लाइफ, डिस्कनेक्ट विद मेन स्ट्रीम सोसाइटी, डिसकंटेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से काफी नाराज है, समथिंग लाइक दैट, लैक ऑफ रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन है स्पेशल लॉज के एंड ऑल दैट। ओके तो गाइस यहाँ पे मैंने यही सारी चीजें दी हुई है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या क्या रीजन है जिनकी वजह से, मतलब क्या क्या फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को। लेकिन अभी ना रिसेंटली एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला है। कैसा ट्रेंड, डिक्लाइनिंग यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है ना वो हमारे कंट्री में कम होता दिख रहा है हम लोगों को। कैसे, देखो ये डाटा है, ये 2018 का डाटा, तो ये पहले ना इसको कलर को देखो, ये इस कलर का मतलब क्या है सिविलियन, इस कलर का मतलब क्या है स्पेशल फोर्सेस, और ये डेथ की बात करें कि कितनी डेथ हुई कितनी नहीं, और रेड कलर में शो हो रहे हैं कि नक्सलाइट के कितने क्या इंसिडेंट हुए हैं। जैसे 2018 में 833 थे, यानी कि 833 नक्सलाइट के मूवमेंट हुए, कुछ मतलब वायलेंस हुए, इंसिडेंट हुए, ओके। 2019 में 670, 2020 में 665, अभी 2022 में 295, 295 है 2022 में, ये जून 30 तक का डाटा है। आर यू गेटिंग इट,
ओके और जो अगर आप लोग डेथ भी देखोगे तो डेथ भी काफी कम हुई है पहले जो 67 से लेके 11 तक। अगर आप इस डाटा को कंपेयर करोगे ना 2010 से, 2005 से, 2001 से, तो उस टाइम पे नक्सलाइट मूवमेंट जो है ना काफी एक्टिव था इंडिया में, काफी ज्यादा एक्टिव था। और हमारे जो लाइक सीआरपीएफ, हमारे जो जवान्स है वो काफी शहीद हुए थे इन नक्सलाइट्स की वजह से। आर यू गेटिंग इट? और ये काफी बड़ा इश्यू बन गया था हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आप लोगों ने समझ लिया। नाउ अब ना हम लोग थोड़ी सी ऐसी चीजें देख लेते हैं जो ट्राइबल एरियाज है ना, वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो फेल हो चुके हैं। किस सेंस में? लैंड एलिनेशन, ये मैं बता ही चुका हूँ, उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। एसटी और दलित में सबसे ज्यादा पॉवर्टी देखने को मिलती है, ठीक है। लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जैसे वो मैंने बताया था कि उनको ना फॉरेस्ट से जो उनको मिलता था उन्हीं को बेच के अपना गुजारा चलाते थे। अब ऑब्वियस सी बात, अब उनको नहीं मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट विद टाइटल और नो रिहेबिलिटेशन, मतलब उनको डिस्प्लेस कर दिया गया ना, तो उनको रिहेबिलिटेशन करा गया तो बहुत थोड़ा, ना तो उनको कंपनसेशन दिया गया, कंपनसेशन भी नहीं दिया गया कि तुम जाके कहीं पे अपनी अच्छे से जिंदगी जी लो। आर यू गेटिंग इट? एडिंग इट टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, स्क्यूड माइनिंग पॉलिसी, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इशू ऑफ मिनिमम वेजेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेसा एंड एफआरए 2005। क्लियर है? अब ना एक केस स्टडी है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की वजह से ना 57% ट्राइबल पीपल जो है ना डिसप्लेस हो गए थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ये इनको कैसा फील होगा? सेंस ऑफ एलिनेशन। ओके, और इसका फायदा कौन उठाएगा? ये माओविस्ट। गेटिंग इट? तो गवर्नमेंट ने क्या कोई मेजर्स लिया है इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कम करने के लिए? तो जैसे कि ऑपरेशन स्टेबल चेज 1970 में, ऑपरेशन ग्रीन हंट, यूनिफाइड कमांड सिस्टम, स्पेशल बटालियन ऑफ सीआरपीएफ, मतलब कि सीआरपीएफ की कुछ ऐसी स्पेशल बटालियन है जिनको गुरिला वॉरफेयर के लिए स्पेशली ट्रेंड किया जाता है। कुछ पुलिस प्लस पर्सनल्स को लेके उनको स्पेशली ट्रेंड किया जाता है कि वो माओविस्ट से लड़ सके। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, मतलब ऐसे हिली एरियाज में एंड ऑल दैट। ब्लैक पैंथर कॉम्बैट फोर्स फॉर छत्तीसगढ़ ऑन लाइन्स ऑफ ग्रेहाउंड इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये अपनी अपनी जो अपने अपने जो स्टेट्स है वो डिफरेंट मेजर्स एडोप्ट करते रहते हैं। एक बार आप ये मैप देख लीजिए, ये वाला मैप, यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सबसे ज्यादा एक्टिव होता है इस वाले एरिया में, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेड कॉरिडोर। प्लीज अगर एग्जाम में आए तो एक छोटा सा मैप बना के, मतलब ऐसे कि मैं बता देता हूँ, ऐसे मैप मैप बना के, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे बस इतना कर देना, ठीक है, एक छोटा सा, आप मतलब पता लग जाएगा एग्जाम को कि यू नो अबाउट रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर क्या है? वही ये नक्सलाइट वाला, ठीक है। ये नक्सलाइट की पिक्स देख देख सकते हैं आप लोग, और ये थोड़ा सा एक इंफोग्राफिक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। एक्चुअली ये फाउंडेशन क्लास नहीं है, अदरवाइज ये काफी लंबा टॉपिक हो सकता था, ठीक है। और ये जो नक्सलाइट्स है उन्होंने अटैक वगैरह किए थे ये रेलवे वगैरह पे, ये माओविस्ट ब्लोस रेलवे ट्रैक इन झारखंड, ट्रेन सर्विस डिसरप्टेड, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब एक सलवा जदूं, ये क्या था? सलवा जदूं में ऐसी चीज थी, बस्तर में ना बेसिकली को काफी ज्यादा ना माओविस्ट का वायलेंस हुआ था, ठीक है, मतलब कि जो नक्सलाइट वगैरह ना उन्होंने बस्तर में काफी ज्यादा तबाही मचा दी थी। तो वहां के जो लोग थे ना उन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया, ठीक है, और इन ग्रुप बनाया और उन्हीं को बेसिकली सलवा जदूं बोला गया, ठीक है। वो ग्रुप करता क्या था? वो ट्राइबल्स का ग्रुप था, ठीक है। उन्होंने जो जो वो थे आपस में ग्रुप बनाया और इनको बोला गया स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स। अब ना गवर्नमेंट इस ग्रुप को सपोर्ट करती थी आर्म्स एंड एम्यूनिशन दे के एंड ऑल दैट, और ये जो ग्रुप था ना ये नक्सलाइट के खिलाफ ही लड़ता था। लेकिन बाद में ये देखने को मिला कि ये जो ग्रुप था ना ये अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही मिस यूज करने लगा था, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट वायलेंस वायलेशन होने लगे थे गाँव में, ठीक है, और जो अपनी पावर का काफी ज्यादा मिसयूज करने लगा था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने 2011 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इज दैट क्लियर गाइज? ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। नाउ डेवलपमेंट मेजर्स क्या लिया? सिविक एक्शन प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टू बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन लोकल पॉपुलेशन एंड सिक्योरिटी फोर्सेज, मतलब कि जो लोकल पीपल है ना, जो सिक्योरिटी फोर्सेज में, वहां के लोग सिक्योरिटी फोर्सेज से डरे ना, ठीक है। मतलब ये अभी भी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम पुलिस को देखते हैं तो थोड़ा सा डर सा वो हो जाता है, ठीक है, नहीं होना चाहिए। अगर हमारा यहाँ पे ये हाल है तो आप लोग इमेजिन करिए कि जो अंडर डेवलप्ड एरियाज है वहां पे क्या होगा। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो इनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नाउ रोड रिक्वायरमेंट प्लान, ठीक है, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए और मोबाइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और यहाँ के जो लोग हैं ना उनको स्किल प्रोवाइड कीजिए ताकि अगर उनके पास स्किल होगी तो अपनी लाइवलीहुड को अच्छे से कमा सके, वो किसी और पे डिपेंड ना रहे और ना ही इनको ये जो माओविस्ट वगैरह ये इनको एक्सप्लोइट कर सके अपने पर्पज के लिए।
इज दैट क्लियर? अभी ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए ना ये डॉक्ट्राइन थी समाधान, स्मार्ट पुलिसिंग एंड लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड फॉर डेवलपमेंट एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। दे रहे हैं नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, हर एक चीज सस्टेन कैसे कर पाती है, फाइनेंस की वजह से। अगर आप लोग इनके फाइनेंस को कट कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है ये सस्टेन ही नहीं कर पाएगी। आर यू गेटिंग इट? तो फाइनेंस को कट कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी। अगर इफ यू वॉन्ट टू वॉच ए मूवी, देर इज ए वेरी गुड मूवी, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, अविवेक अग्निहोत्री की है। और बेसिकली दिस मूवी इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल क्या होते हैं? अर्बन नक्सल मतलब एक नया कंसेप्ट है। इसमें ये बोलते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं और काफी पढ़े लिखे हैं, दे आर द सपोर्टर्स ऑफ और एम्पेथाइजर्स ऑफ दीज नक्सलाइट्स। ठीक है, मतलब कि ये जो नक्सलाइट लोग है ना, ये इनके साथ कुछ, इनको एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इनके साथ कुछ एम्पेथी प्रोवाइड करते हैं, काइंड ऑफ दैट थिंग। इज दैट क्लियर? और कुछ जो क्रिटिक्स है वो ये बोलते हैं कि जो अर्बन नक्सल्स है ना, गवर्नमेंट अपने पर्पज के लिए यूज करती है, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है ना उनको अर्बन नक्सल बोला जाता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आपको इतनी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं जाना, लेकिन अर्बन नक्सल इज रियलिटी नाउ वे डेज इन इंडिया। ओके, तो ये रियलिटी एक तरह से। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, 10 से 15 मिनट में मैं जितना समझा सकता था मैंने काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है बूच ट्रेजेडी, यानी कि जो नकली शराब पीने से जो डेथ हुई है। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा, डेथ टोल इन बिहार, ह्यूज ट्रेजेडी राइजेस टू 82। नाउ अभी ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पे जो रेड में है ना, यहाँ पे कंप्लीट प्रोहिबिशन है, जैसे कि गुजरात हो गया, बिहार हो गया और नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पे बिल्कुल ही वो है। और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ड्राई स्टेट, ड्राई स्टेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ना ये मैं बाद में दिखाऊंगा वाला डाटा। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि जो ये अल्कोहल है ना, अल्कोहल है ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये पहली बात तो स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि स्टेट इस पे रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। क्लियर है? और हमारा जो डीपीएसपी का आर्टिकल 47 उसमें ये लिखा हुआ है कि हमें अल्कोहल को प्रोहिबिट करना चाहिए। ठीक है, हमें अल्कोहल को प्रोहिबिट करना चाहिए। क्लियर है? तो आप लोग अपना जो आंसर, अगर क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि लिखकर बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इन फेवर। ओके, तो इसमें आर्गुमेंट अगेंस्ट एंड फेवर का क्वेश्चन बनेगा लिकर बैन पे। नाउ बिहार में शराब जो है वो बेचना और खरीदना, ठीक है, सेल एंड कंजम्पशन, यानी कि बेचना और उसको पीना एंड ऑल दैट, वो बैंड है 2016 से। क्लियर है? लेकिन अभी भी कुछ लोग क्या करते हैं, वो नेपाल से लेके आ जाते हैं। ठीक है, नेपाल का बॉर्डर पास में ही है, यूपी से जो बॉर्डर एरियाज है ना वहां से ये लोग ट्रेड करते रहते हैं। ओके, और क्या होता रहता है वहां पे ना, कुछ लोग ना लोकली मेड जो लिकर है उसी को एक तरह से कंज्यूम करते रहते हो। जो लोकली मेड होती है ना, ये एक तरह से क्या ऐसा काम करती है, पॉइजन का काम करती है, क्योंकि इसमें ना ये लोग क्या करते हैं, जो लोकल लोग होती है, मिथेनॉल मिला देते हैं ताकि उनको ये मतलब जो पिए ना उसको ये लगे कि हाँ ये तो बड़ी अच्छी है, मतलब काफी चढ़ रही है ऐसे, ये समझो। इस सेलर ऑफन एल्ड मिथेनॉल, ए हाईली टॉक्सिक फॉर्म ऑफ एल्कोहल, टू देयर प्रोडक्ट टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब वो होता है ना कि देसी पीली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जिसकी वजह से डेथ वेथ हो रही है। क्लियर है? अब हिस्ट्री देख लेते हैं ह्यूज ट्रेजिडीज की इंडिया में इंक्रीज। अब इंडिया में क्या है, 3 पीपल ऑन एन एवरेज, यानी कि हर रोज इंडिया में 3 लोगों की डेथ हो रही है नकली दारू पीने की वजह से। क्लियर है? नाउ सबसे जो लोकसभा ने मतलब एक डिटेल रिपोर्ट पेश की थी जहाँ पे उन्होंने टॉप 5 स्टेट्स का नाम दिया था, जहाँ पे ना बिहार और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा डेथ हो रही है, किसकी वजह से, नकली दारू पीने की वजह से। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आप लोग ये समझिए बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वाला जो एरिया ना ये काफी अंडर डेवलप्ड है, एंड काफी अंडर डेवलप्ड है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ के जो लोग की पर कैपिटा इनकम है वो भी काफी कम होगी। अब वहाँ के लोगों के पास अगर पैसा है नहीं तो ऑब्वियसली बात है वो ब्रांडेड तो पी नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, जो लोकली मेड अवेलेबल होती है ना, और लोकली कैसे कैसे बनाते हैं लोकली वाले, तो मतलब ऑब्वियसली बात है उनको इतनी नॉलेज होती नहीं है कि कैसे क्या बनेगी एंड ऑल दैट, वो तो बस अपने पैसे कमाने के पर्पज में कुछ भी बना के दे देते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो कहीं ना कहीं ये पॉवर्टी से ही लिंक हो जाता है। नाउ डाटा क्या है कि 6,000 डेथ वो रिपोर्टेड बिटवीन 2016 एंड 2020 ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ स्पूरियस लिक्वर, विद द लोएस्ट नंबर ऑफ डेथ 2020 at 947। आप लोग डाटा को यूज कर सकते हैं। अब ये केस स्टडी है, आप लोग प्लीज इसको यूज करना। मालवानी हुज ट्रेजेडी इन मुंबई 2015,
वहां पे 106 लोगों की जान गई थी। और इसका रीजंस क्या था, बिकॉज वो ये जो सस्ती वाली दारू नहीं, मतलब बोलते हैं जो लोकली मेड अवे, वही पी रहे थे। ठीक है, क्यों पी रहे थे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफोर्डेबल लिकर फॉर द पुअर। क्योंकि जो गरीब लोग है वो क्या पूरा दिन मेहनत, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनका काफी ज्यादा मेहनत का काम होता है, वो क्या करते हैं पूरा दिन काम धंधा करते हैं, रात को पौवा मार के सो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, आप लोगों ने देखा भी होगा अपने आसपास। नाउ ऑफ द एस्टिमेटेड 5 बिलियन लीटर ऑफ एल्कोहल कंज्यूम्ड एवरी ईयर, हर साल जो है बेसिकली 5 बिलियन लीटर एल्कोहल लाइक कंज्यूम किया जाता है इंडिया में, जिसमें से 40% जो है ना वो इलीगली प्रोड्यूस किया जाता है। इलीगली प्रोड्यूस करने का मतलब क्या, कोई प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, कोई प्रॉपर इनका मेथड नहीं है, कैसे बना रहे कैसे नहीं, वेदर इट इज लाइक हेल्थ के लिए कैसी है कैसी नहीं, समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ अब इसमें क्या है कि चीप लोकली मेड लिकर इज कॉमन इन पार्ट ऑफ रूरल इंडिया। जो ये है ना लिकर है, मतलब कि जो दारू है वो जो चीप मिलती है, चीप में यानी कि जो काफी सस्ती मिलती है एंड ऑल दैट, जो लोकली मेड अवेलेबल है वो कहाँ पे मिलती है, जनरली गाँव में, गाँव वाले एरियाज में। अगर आप लोगों को देखने को मिलेगी ना कि नकली दारू पीने से इतने लोगों की डेथ, वो जनरली आप लोगों को गाँव वाले एरिया में, या तो विलेजेस में, या फिर अंडर डेवलप्ड रीजन में ही देखने को मिलेगा। आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं अपने आसपास की उससे। नाउ हाई टैक्सेस एंड एक्साइज ऑन लिकर रेज प्राइसेस सो चीप ब्रूज आर प्रमोटेड बाय द क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। अब होता क्या है, जो ये दारू वगैरह होती है ना, लिकर वगैरह होती है, इन पे ना काफी ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं और एक्साइज ड्यूटीज लगाई जाती है, जिनकी वजह से इनके प्राइस ना काफी राइज कर जाते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, फॉर एग्जाम्पल ये दारू की बोतल है, ठीक है, अब इस पे एक्स वाई जेड प्राइस होगा, लेकिन इस पे टैक्स लगा दिया, एक्साइज ड्यूटी लगा दी, जिसकी वजह से इसका प्राइस ज्यादा हो गया। अब इसका प्राइस ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली बात है, जो गरीब आदमी है वो तो अफोर्ड कर नहीं सकता, पुअर पीपल, अरे पीनी जरूरी थोड़ी ना है, पर इनको कौन समझाएगा दो को, ठीक है, पुअर पीपल अफोर्ड कर नहीं सकता, तो जो लोग क्या करते हैं, तो ये लोग भाई साहब जो चीप माल अवेलेबल होता ना, सस्ते वाला, सस्ते के चक्कर में अपनी जान से हाथ खो देते हैं, ठीक है। और जो ये सस्ती शराब से ये बनाता कौन है, काइंड ऑफ कोई माफिया डेवलप्ड हो जाता है उस एरिया में, अगर उनको लगता है कि यहाँ यहाँ पे काफी ज्यादा डिमांड है लोगों की, ठीक है, और कुछ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको प्रमोट करते रहते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ और कभी कभी जो ये काम है ना लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल्स के साथ मिलकर किया जाता है, मतलब कि जो उस एरियाज के लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल है, पुलिस वगैरह हो गई एंड ऑल दैट, उनको पैसा वैसा जाता रहता है, पुलिस को मालूम होता है कि हाँ यहाँ पे नकली दारू बनाई जा रही है, बट स्टिल वो कुछ नहीं करते क्योंकि उनका उनका पैसा मिलता रहता है। ओके, नेक्स्ट, मतलब एक नेक्सस डेवलप हो गया, काइंड ऑफ एक नेक्सस डेवलप हो गया। नेक्स्ट, इंडिया डज रिमेन अमंग द कंट्रीज विद हाई नंबर ऑफ एल्कोहल रिलेटेड डेथ। इसीलिए इंडिया इंडिया में जो है एल्कोहल रिलेटेड डेथ सबसे ज्यादा हाई है, उसका रीजन वही पुअर गवर्नेंस, करप्शन, डिस्टोर्टेड पॉलिसीज और ये सारी चीजें। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, इथाइल एल्कोहल एंड, मतलब इसको एंटीडोट यूज किया जाता है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। इसके ट्रीटमेंट में हेमोडायलिसिस, ताकि जो ब्लड स्ट्रीम से टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव किया जा सके। क्यों, पीने नकली दारू पी ली तो ऑब्वियसली बात है वो एक तरह से पॉइजन है, जहर है, उसको कैसे हटाया जाएगा, हेमोडायलिसिस से। और ये गरीब लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो कहाँ से, ये थोड़ा नकली दारू का एग्जाम्पल, ये जो सब्जी वगैरह होती है और ये सब होते हैं उनको सड़ा गला के वो सब। ओके, नाउ ये आप लोग पढ़ सकते हैं, मतलब, और ये मैं सब कुछ समझा चुका हूँ ऑलरेडी। नाउ व्हाई डू पीपल फॉल प्रे टू सच लिकर, मतलब कि लोग ऐसी दारू खरीदते क्यों है, एक तो डिमांड सप्लाई रिलेशन, ऑब्वियसली बात है डिमांड ज्यादा रहेगी, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको पता लगेगा ज्यादा डिमांड है तो वो खुद ही कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देंगे और वो बेचने लग जाएगा अपने प्रॉफिट पर्पस के लिए। लिकर बैन कुछ स्टेट्स में ना, बेसिकली आप लोग देखोगे लिकर बैन है, बिहार में लिकर बैन है, तो क्या करते हैं वहां पे, अगर इवन इफ यू कैन अफोर्ड, ठीक है, लेट्स से अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हो कि कोई ब्रांडेड पी लो एंड ऑल दैट, लेकिन वहां पे तो बैन है, तो आप कहाँ जाओगे, तो जो लोकली मेड अवेलेबल है, और जो लोकली अवेलेबल है उसमें क्या होता है, पॉइजन काइंड ऑफ, क्योंकि वो मिथेनॉल को मिला देते हैं ताकि उस वो लोगों को लगे कि ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है। के चीप अल्टरनेटिव, दे आर ऑल्सो इजी टारगेट फॉर बोटल बोट लेगर्स, ये पढ़ लेना इजी सा है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट इन फेवर इन इंजीरियस टू हेल्थ, मतलब कि आर्ग्यूमेंट इन फेवर यानी कि लिकर को बैन कर देना चाहिए, हमको इसके बारे में बोलना है कि हमको, यस हमें लिकर बैन करनी चाहिए, इसके बारे में पॉइंट दो। पहला क्या पॉइंट है, हाँ भाई लिकर बैन होनी चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए हानिकारक है। दूसरा, लिकर बैन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से क्राइम रेट भी बढ़ता है, ठीक है, अगर लिकर को बैन कर देगा ना तो जो क्राइम रेट है ना वो घट जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जनरली इंसान जो है दारू वारू पी के ही जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, या फिर लाइक जो रेप से रिलेटेड केसेस आते हैं, वो बोलते हैं ना कि आई वॉज ड्रंक, या फिर हिट एंड रन वाले केस होते हैं, वो क्या क्यों होते हैं, दे
ठीक है, क्योंकि इंसान होश में नहीं होता, काइंड ऑफ दैट थिंग, ओके, नॉट ए लॉस ऑफ रिवेन्यू, ठीक है, मतलब कि ये बोले कि हाँ हमें लिकर बैन कर देनी चाहिए। कुछ क्रिटिक्स ये बोलते हैं अगर हम लिकर को बैन कर देंगे ना, दारू को बैन कर देंगे, तो जो स्टेट कुछ पैसा कमाता है ना उससे वो नहीं कमा पाएगा। अब ये बोल रहे कि भाई साहब जरूरी थोड़ी ना कि हम मतलब लिखकर से ही पैसा कमाए, हम बिना इसको बेचे ही पैसा कमा सकते हैं। हम अपने सिस्टम को ऐसा बनाए कि लोग टैक्स टैक्स की चोरी ना कर सके, ब्लैक मनी को हम पूरी तरह से खत्म कर दे, करप्शन को खत्म कर दे, तो ऑब्वियस ही बात है ना, इनसे भी तो पैसा कमाया जा सकता है ना। आर यू गेटिंग इट? तो मैं आप लोगों को एक ना डाटा दिखाता हूँ कि कितना क्या पैसा कमाते हैं गवर्नमेंट, तो देख लीजिए, ये 2018-19 का डाटा है, एक्साइज, स्टेट एक्साइज रिवेन्यू। उत्तर प्रदेश 25,100 करोड़ रुपए, 25,100 करोड़ बहुत हो जाता है, बहुत बहुत हो जाता है, ठीक है। तो लिकर बैन आप लोग देख सकते हैं कि स्टेट ने कितना क्या पैसा कमाया है। दैट क्लियर? ओके, और नेक्स्ट क्या है, डीपीएसपी में लिखा हुआ हमारे आर्टिकल 47 में, ठीक है, तो डीपीएसपी को फुलफिल करने के लिए नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट पुअर पीपल, पुअर पीपल को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि इन पुअर हाउस होल्ड जहाँ पे एक इंसान एडिक्टेड है लाइक दारू से, आप लोगों ने लाइक आसपास देखी होगी ना कि दारू पीता था, अपना घर बेच दिया, जुआ वुआ खेलता था, तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों आसपास की उसमें देखने को मिली जाती है। प्रिवेंटेड क्राइम अगेंस्ट वुमेन, देखा होगा आप लोगों ने, जनरली डोमेस्टिक अब्यूज हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जो इंसान दारू वारू पीता है ना वो किसी एक बात को पकड़ लेते, उसी पे लड़ाई वड़ाई है, ये सारी चीजें, प्रिवेंटेड डोमेस्टिक वायलेंस, सोशल इश्यूज, ठीक है, वही कि डोमेस्टिक वायलेंस, हैम्परिंग ऑफ फैमिली बॉन्ड, कपल गेटिंग डाइवोर्स्ड, चिल्ड्रन गेटिंग नेग्लेक्टेड, एडिक्शन एंड राइजेज इन क्राइम, ये नॉर्मल से पॉइंट आप लोग डाल सकते हो। ओके, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट लिकर बैन की लिकर बैन नहीं होनी चाहिए, ओके, नहीं होनी चाहिए, नो, यहाँ पे हम अब दे रहे हैं कि क्यों नहीं होनी चाहिए। पहला कि गवर्नमेंट को रिवेन्यू का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, अभी अभी मैंने आप लोगों को डाटा दिखाया एक्साइज ड्यूटी, कैसे यूपी कितना कमाया था, 25,000 करोड़ के अराउंड, 25,000 करोड़ के अराउंड एक्साइज से इसके लिख करके। ओके, नाउ लीगल एंगल, ए राइज इन क्राइम ड्यू टू विड्रॉल सिम्टम एंड इनएबिलिटी टू फाइंड एंड कंज्यूम एल्कोहल वुड बी ए मेजर प्रॉब्लम, राइज इन वायलेंट क्राइम, राइट टू लिकर, ये पढ़ सकते हो आप, जनरल से पॉइंट है सारे के सारे, कुछ खास है नहीं इसमें। क्रिएट नो डेटेंस, क्रिएट नो डेटेंस मतलब कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जहां पे बैन हुई है ना, देर इज एविडेंस टू शो दैट प्रोहिबिशन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ए थ्राइविंग अंडरग्राउंड इकोनॉमी दैट डिस्ट्रीब्यूट लिकर आउटसाइड द रेगुलर। हाँ, ये बोल रहा है कि जहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल बिहार में लिकर बैन है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी वर्क करेगी, थ्राइविंग अंडरग्राउंड इकोनॉमी, यानी कि कुछ लोग ऐसे हो गए जो कि छुप छुप के दारू को बेचेंगे, ठीक है, और ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है स्टेट का उससे बाहर काम करेगा, क्योंकि अगर ये लीगल होती तो गवर्नमेंट को पैसा जाता, अब तो गवर्नमेंट को पैसा भी नहीं जाएगा और ये बिक भी रही है, काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है। ओके, राइज ऑफ माफियाज बताई दिया मैंने, नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस, मतलब कि बिहार के केस में ईयर आफ्टर प्रोहिबिशन वाज इंपोज्ड देयर वाज अ स्पाइक इन सब्सटेंस अब्यूज, मतलब कि ये बोला जा रहा है कि बिहार में ना जब दारू बैन भी हुई थी ना उसके बाद भी काफी ज्यादा ये सब देखने को मिलेंगे, वायलेंस के केसेस एंड ऑल दैट। ओके, तो एंटी पुअर इन केस ऑफ बिहार मेजोरिटी ऑफ द जो केसेस है वो अंडर इट्स प्रोहिबिशन लॉज आर ऑन द लेस प्रिविलेज्ड, क्लियर है, तो ये सारी नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें हम लोगों ने कर ली। अब गाइस आप लोग इसका ना वे फॉरवर्ड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अभी देखो इसमें से आप लोगों को एग्जाम में जो लिखना है ना, मैं प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूँ कौन कौन से जरूर लिख के आना, पहले वाला ये तो जरूर लिख के आना रिवेन्यू वाला, दूसरा क्या लिख के आना, क्रिएट नो डेटेंस ये वाला, तीसरा राइज ऑफ माफियाज वाला, चौथा नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस वाला, ठीक है, राइज इन वायलेंट क्राइम, ठीक है, ये वाला कि दे इज ए इंडिकेटिव बिकॉज इफ समवन वांट्स टू कंज्यूम एल्कोहल अंडर प्रोहिबिशन, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल बिहार में एल्कोहल बैन है लेकिन कोई कंज्यूम करना चाह रहा है, देन दे विल हैव टू एम्प्लॉय इलीगल मेथड, तो उनको कैसे कंज्यूम करनी पड़ेगी, इलीगली किसी से खरीद के, और जिसकी वजह से क्या होगा, ऐसे केसेस कुछ ट्रेजडी टाइप केसेस, क्यों, क्योंकि इवन इफ ये बंदा एफोर्ड कर सकता है लेकिन यहाँ पे प्रोहिबिशन है, ठीक है, तो डर के मारे ऐसे वैसे से खरीद लेगा और वो नकली मिलेगी तो डेथ हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट, क्लियर है। ओके, तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसका वे फॉरवर्ड मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और इससे रिलेटेड आप लोगों को जो भी डाउट है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद, आज के टॉपिक के लिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।